दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले PUBG बैन हुआ था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने रिएक्ट भी किया था कि PUBG बैन नहीं होना चाहिए था, ये काफी अच्छा गेम भी था और काफी लोगों का YouTube चैनल भी इसी वजह से ग्रो हो रहा था, काफी लोग इसी वजह से अर्न भी कर रहे थे। और PUBG बैन होने जाने के बाद अब उनके सामने यही प्रॉब्लम आने लगी थी कि अब वो लोग कौन सा गेम प्ले करे और उनके ऑडियंस को कौन सा गेम पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ कि PUBG वापस आने वाला है इंडिया में, PUBG कुछ ही दिनों में इंडिया में वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसके बारे में मैं कंप्लीट तक बताऊंगा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर मंसूरी, आप देख रहे हैं मिस्टर समीर टेक्निकल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यही टॉपिक निकल कर आ रहा था, PUBG चाइनीज था कि नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ। PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ एक गेम था जो कि साउथ कोरिया में बना था और साउथ कोरिया में ही PUBG कॉर्पोरेशन भी है, तो ये गेम साउथ कोरियन था। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ पीसी के लिए और आप जो कंसोल में गेम खेलते हैं वही फुल साउथ कोरियन गेम है और साउथ कोरिया में ही डेवलप हुआ है, नहीं तो ये जो आप एंड्रॉइड और iOS में PUBG या PUBG लाइट खेलते हैं ये साउथ कोरिया में फिक्स नहीं बना है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप थी टेंसेंट की। टेंसेंट जो एक चाइनीज कंपनी है उसी ने पार्टनरशिप की थी PUBG कॉर्पोरेशन के साथ। इस कोलैबोरेशन की वजह से PUBG फिक्स साउथ कोरिया का गेम नहीं बचा था, इसी वजह से फ्रेंड्स इंडिया में भी PUBG बैन किया गया था। और अगर ये लोग PUBG में से पार्टनरशिप कैंसिल कर देते हैं टेंसेंट की, तो ये लोग फिर से PUBG को इंडिया में ला सकते हैं इंडिया ने गवर्नमेंट से बात करके। और हम फ्रेंड्स ये लोग अभी इस बारे में बात भी कर रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने ये फैसला भी ले लिया कि ये लोग टेंसेंट को हटा देंगे अपनी पार्टनरशिप से, ताकि ये लोग इंडिया में वापस PUBG को ला सकें और इंडियन गवर्नमेंट से बात करके वापस इंडिया में PUBG आ जाएगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि PUBG एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, दो तीन महीने के अंदर आपको PUBG इंडिया में वापस मिल जाएगा खेलने के लिए और आप इसे फिर से एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तो PUBG के साथ इंडियन गेम भी बनने वाला है एक फौजी नाम का, जो कि इंडिया में लगता है काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं कौन ज्यादा फेमस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को ये भी ये न्यूज मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।